नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। यहां पहुंचने किया अमरनाथ यात्रा सामग्री ट्रक को रवाना। साइन बोर्ड के द्वारा कानपुर नगर को पहली बार मिली भंडारे की स्वीकृति। शिव सेवक समिति कानपुर के द्वारा पवित्र अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा कानपुर नगर के भंडारे को स्वीकृति दिए जाने के बाद समिति के सदस्यों ने कानपुर से पहला ट्रक बाबा अमरनाथ के लिए रवाना किया। महापौर प्रमिला पांडे ने पूजन कर झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। इस दौरान पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया एवं प्रधान सचिव रत्नेश वर्मा शीलू ने बताया कि यह कानपुर नगर का सौभाग्य है कि पवित्र यात्रा बाबा अमरनाथ में कानपुर नगर का भंडारा पहली बार लगने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति विगत दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा दे दी गई थी। रत्नेश वर्मा के मुताबिक आज ट्रक में जनरेटर, टेंट, राशन, गद्दे, त्रिपाल सहित अन्य सामग्री रवाना की गई तथा उनके द्वारा ही रिक्शा 23 जून को कानपुर से ले जाया जाएगा। पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया के मुताबिक अभी तक शिव सेवक समिति के सदस्य अमरनाथ यात्रा में लगाए जाने वाले भंडारे का सामान दिल्ली सहित अन्य प्रदेश की समितियों को देते थे, किंतु अमरनाथ साइन बोर्ड से स्वीकृति मिल जाने के बाद कानपुर नगर का प्रथम भंडारा इस वर्ष लगने जा रहा है, जिसका लाभ समस्त देशवासियों को मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देते हैं, बाबा अमरनाथ बर्फानी एवं हर हर महादेव के जोरदार नारे लगाकर ट्रक को रवाना किया। इस दौरान मुख्य रूप से अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल, महासचिव शीलू वर्मा, संरक्षक शिव गोपाल गुप्ता, अनिल चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, अनुज यादव, मनोज जायसवाल, सचिन वर्मा, तेज बहादुर वर्मा, परशुराम शुक्ला, सागर सिंह, शौर्य सिंह सहित काफी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। स्वैच्छिक दुनिया के लिए पत्रकार सौरभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। सेवक समिति के द्वारा 2013 से मैं जुड़ा जब विधायक था, लेकिन कहते हुई है वही जो राम रच रखा और उसमें हुई है वही जो अमरनाथ बाबा ने रच रखा है। वहाँ पर हम लोग सोचते थे भंडारा दिल्ली के नाम से भेजते थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई कानपुर का नाम हो। और मैं कहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा, श्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा जो हमें प्रसाद के रूप में मिला है, अब की पहली बार वहाँ ई रिक्शा लगते थे, अब ई रिक्शा के साथ वहाँ चाय, पानी, नाश्ता, रहने की व्यवस्था, 3 गाड़ियों से माल जा रहा। आज हमारे कानपुर की प्रथम नागरिक महापौर बहन प्रतिभा पांडे जी ने हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ बाबा के यहाँ जा रहे कानपुर वासियों के लिए मैं कहूँगा कि कानपुर वासी वहाँ जाएँ, फ्री रहना, फ्री हो करना है और प्रयास ये हो कि इसी में सब मिल के काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश का भी नाम हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल आदि के नाम होते हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी नाम हो उसमें कानपुर का नाम। पिछले साल ही रिक्शे गए थे समिति द्वारा, इस बार कितने रिक्शे जा रहे हैं? 7 रिक्शा जा रहे हैं, अगली बार 5 गए थे। किस तारीख से यात्रा शुरू हो रहा है? 1 तारीख से 2 महीना के लिए और 30 तारीख को माननीय मेयर साहब शाम को उद्घाटन करेंगे, उसमें अरुण पाठक जी भी होंगे MLC कानपुर के और सारे भक्तगण। भारत माता की जय। मैं रघुनंदन भदौरिया, पूर्व विधायक कानपुर अमरनाथ। आज माता जी किस समिति के द्वारा कहां पर सामग्री भेजी जा रही है? शिव सेवा समिति द्वारा यहां से सामान भेजा जा रहा है, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया के और रत्नेश वर्मा के और यहां के सब पूरे कमेटी के लोगों द्वारा यहां से 3 ट्रक सामान भेजा जा रहा है। मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगी कि कानपुर का स्थान को लाने के लिए पिछली बार विधायक जी ने वहाँ 3 ई-रिक्शा चलाया था, जो बहुत लोगों का, लाखों लोगों को ले जा करके वहाँ पर धाम में 3-3 किलोमीटर ले गया, ले आया। स्थिति ये होती है वहाँ कि कुछ मिल जाए हम जाएं, उसमें कानपुर नंबर 1 पर है। इस बार विधायक फिर अपने 3-4 ट्रक माल भेज रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, 30 तारीख को हम भी जाएंगे, विधायक भी जा रहे हैं, वहीं में साहब का उद्घाटन होगा और बाबा के दर्शन करेंगे और पूरे विश्व के शांति के लिए और अपने देश के शांति के लिए और अपने उत्तर प्रदेश शांति के लिए और अपने कानपुर के शांति के लिए हम लोग बाबा से प्रणाम। हर हर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ।